नमस्कार मित्रों, आज के 10 ताजा खबर के लिए देखते रहिए शॉर्टकट इंडियन न्यूज चैनल। आज की पहली ताजा खबर, राहुल गांधी ने दिल्ली के चुनाव रैली में बोला अपनी संपत्ति बर्बाद कर रहा है 21वीं सदी का भारत। आज की दूसरी ताजा खबर, सोरेन सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, जेएमएम से 5, कांग्रेस से 2 विधायकों ने ली शपथ। आज की तीसरी ताजा खबर, पाकिस्तान पर बिना नाम लिए बोले प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारी सेना हफ्ते 10 दिन में धूल चटा सकती है। आज की चौथी ताजा खबर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लगवाए देश के गद्दारों को गोली मारो के नारे, तो असदुद्दीन ओवैसी बोले अब ठाकुर कहेंगे कितने आदमी थे। आज की पांचवी ताजा खबर, ममता बनर्जी कहा वो बात करने के लिए तैयार है प्रधानमंत्री मोदी जी से, बट पहले निरस्त करे सीएए को। आज की छठवीं ताजा खबर, लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने लिखी सीएए प्रस्ताव पर यूरोपीय यूनियन संसद अध्यक्ष को चिट्ठी, जताई आपत्ति। आज की सातवीं ताजा खबर, स्कूलों की दशा खराब बताने पर अमित शाह पर केजरीवाल का पलटवार, बोले रिपोर्ट फर्जी थी। आज की आठवीं ताजा खबर, चीन में कोरोना वायरस से अब तक 80 लोगों की मौत, 461 लोगों की हालत नाजुक। आज की नवी ताजा खबर, सीए विरोधी प्रदर्शन में शामिल हुई पूजा भट्ट, बोली जब तक नेता नहीं सुनेंगे तब तक नहीं रुकेंगे। आज की दसवीं ताजा खबर, खेल की दुनिया से, अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 74 रनों से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया, जय भारत।